हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। इसमें भी आपको यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी है कोई? यस, ये आइडेंटिटी लगी हुई है ए माइनस बी वाली, ठीक है, या एक्स माइनस वाई के होल क्यूब वाली, ठीक है। तो इसमें देखो जरा, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ इसके अंदर तो वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3xy² ये इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है। और ये कहाँ से आई है इक्वेशन, ये भी पता करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, ये आपने ऐसे भी पढ़ रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये ऐसे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और ये यहाँ माइनस आता है, अंदर क्या होता है माइनस, तभी ये प्लस में बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ को, पहले तो आप इनको पहचानोगे कि कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, तो फिर उसके बाद आपको इनके याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। तो ये सब काम है सबसे पहला, तो उसके बाद ही इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर x माइनस वाई के होल क्यूब का यूज़ है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू, ये वाली टर्म यूज़ करेंगे, तो देट इज़ एक्स का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3x² इंटू वाई, वाई कितना है 2, प्लस 3x इंटू y² 2 to the 4 आ गया है, पर ठीक है। और देखो कैसे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x² 3 to the 6, यहाँ 6 कर दो पहले ही, ठीक है, प्लस 4 3 12x, समझ रहे हो ना कैसे मैंने फॉर्मूले में लगाया था ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या x³ से कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा, बताया था मैंने कैसे, उधर भी आएगा तो माइनस में आएगा तो प्लस माइनस में ही माइनस, ठीक है, माइनस होके वो जीरो ही होना था। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, x³ से कट कर दिया, ठीक है, और तो कुछ नहीं इसमें कट होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, यस, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का 8 इधर आ गया, ये माइनस वाला प्लस का 6x² प्लस उधर जाके माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब देखो जरा, माइनस का 4x² प्लस का 6x² तो 2x² आएगा, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस एंड द साइन विच इज ग्रेटर द 2 आएगा 2x², ये माइनस का x है, ये माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस प्लस एंड द साइन विच इज ग्रेटर तो 13x, और ये तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस इक्वेशन में ये जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्लियर इतनी बार। जनरल कौन सी है इक्वेशन, ये बताऊँ, ये दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन थी। तो यहाँ पर देखो a कितना है इसमें 2 है, b कितना है यहाँ पर माइनस के 13 है, c कितना है प्लस का 9 है, क्लियर है इतनी बार, ठीक है, ओके, थैंक यू।